नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन एड प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी मैथ्स 2015 का फिजिक्स सेक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन से जो है एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं होगी, वॉट जो होती है वो आपकी एनर्जी की यूनिट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू बॉडीज ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी आर ड्रॉप जेंटली फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स एट हाइट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ग्राउंड। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज व्हेन दे रीच द ग्राउंड विल बी तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी आपका जो है फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एम ए ए जी हो जाएगा फर्स्ट केस में, एंड सेकंड केस में हो जाएगा एम बी बी जी। जी से जी कट जाएगा, खाली रेशियो में ही हो जाएगा, मास ऑफ ए इंटू हाइट ए अपॉन में मास ऑफ बी इंटू हाइट बी। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे। नंबर 3 है, द डिफ्यूजन ऑफ फ्री पार्टिकल्स इन एनी मीडियम इज मेनली ड्यू टू। डिफ्यूजन ऑफ फ्री पार्टिकल्स किस वजह से होता है? तो डिफ्यूजन ऑफ फ्री पार्टिकल दोस्तों कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होता है। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अगर चेंज हो जाता है दो लेयर्स के बीच में तो वहाँ पर डिफ्यूजन होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 2nd टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, With which law of thermodynamics the concept of temperature is related? कौन से लॉ से कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर आया है? तो टेम्परेचर का कंसेप्ट दोस्तों 0th लॉ से आया है। तो ऑप्शन नंबर आप इस केस में 4th टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम मूविंग इन वैक्यूम एंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5। द वेवलेंथ ऑफ दिस रे ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और ये इतना है तो क्या होगा? तो वेवलेंथ दोस्तों क्या होगा, जो वेवलेंथ हो जाएगी आपकी न्यू वाली वो ओरिजिनल अपॉन जो है म्यू के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 1/μ टाइम्स हो जाता है। तो 1/μ टाइम्स हो जाएगा तो 6000/1.5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो 5 का जो है 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 5 का आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉज ऑफ ब्यूटिफुल कलर्स इन ए वेरी थिन केरोसिन ऑयल लेयर फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस इल्यूमिनेटेड बाई सम लाइट इज। द कॉज ऑफ ब्यूटिफुल लेयर्स, वेरी थिन केरोसिन लेयर में जो ब्यूटिफुल लेयर का पैटर्न बनता है ये किस वजह से बनता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका बनता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से। इस केस में आप ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? तो साउंड वेव में दोस्तों पोलराइजेशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे, पोलराइजेशन आपका लाइट वेव्स के केस में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन एट द पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विल बी। अगर अर्थ स्टॉप कर देगी रोटेट करना तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पोल्स पर क्या होगी। तो पोल्स पे दोस्तों अगर अर्थ रुक भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा, उस केस में भी रिमेंस अनचेंज्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज नोन एज। मैग्नेटिक मटेरियल मूव कर रहा है आपका स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, इसमें आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, If we connect all the inputs of a NAND gate together, then it works as। अगर हम इनपुट NAND गेट के सारे जोड़ देंगे तो किस तरह से वर्क करेगा? तो सारे इनपुट हम जोड़ देंगे NAND गेट्स के तो वो जो है NOT गेट की तरह बिहेव करेगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ सेमी कंडक्टर इन विच इंट्रेंसिक कैरियर कंसनट्रेशन इज इतना इज डोप्ड विथ डोनर इंप्योरिटीज ऑफ कंसनट्रेशन इतना द कंसनट्रेशन ऑफ होल विल बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ होल्स निकालना है, तो मैं आपको बता दूँ इसमें होता क्या दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका वैल्यू आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होल्स इनटू ये हो जाएगा 5×10^15, इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा आपका किसके, 2.5×10^13 के होल स्क्वायर के। इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, नंबर ऑफ होल्स आसानी से फाइंड कर लेंगे। इस केस में आपका जो नंबर ऑफ होल्स आ जाएगा ये 1.25×10^10 पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर इस केस में डी है, तो 11th का आप डी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
ऑन हीटिंग द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर विच इज़ इनिशियली एट रूम टेम्परेचर। हीटिंग के दौरान आपको बताना है ऑन हीटिंग कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर क्या होगी। तो हीट करने पे जो कंडक्टिविटी होती है डोप्ड सेमीकंडक्टर की वो आपकी जो है डिक्रीज करने लगती है। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप टू टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है इन पीएन जंक्शन डायोड द रिवर्स सेचुरेशन करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। तो पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स सेचुरेशन करंट जो इंक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर में, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज हो जाता है इस वजह से। ऑप्शन देखेंगे तो इस केस में आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 14 है थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस 4 kg 6 kg एंड 8 kg आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली एट पोजीशंस 0.05.4 एंड 0.75.1.5 meters। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन मीटर एट विच इट इज़ लोकेटेड। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हम लोग फार्मूला दोस्तों जानते हैं, फार्मूला यूज़ कर लेंगे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालने के लिए। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 कॉमा में, इसको y के टर्म में लिख देंगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। डायरेक्टली आप लोग जो है ये फॉर्मूले के ऊपर m1 m2 m3 का वैल्यू पुट कर देंगे एंड x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 का वैल्यू पुट कर देंगे, आपकी लोकेशन जो है डायरेक्टली फाइंड हो जाएगी। इस केस में दोस्तों जो लोकेशन आपकी आएगी वो आएगी आपका 2.2। ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन इस केस में ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 का आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय इतना, इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम टाइम। यह आपको डिस्प्लेसमेंट देखे पूछा है किस टाइम पर आपकी जो है स्पीड मैक्सिमम होगी। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसमें आपका x इज इक्वल टू आपकी इक्वेशन दे रखी है a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। तो ये आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, वो हो जाएगी माइनस a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3 इंटू ओमेगा। आप क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा माइनस a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपसे वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा है तो एक्सेलरेशन को उठा के आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन को उठा के जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका कॉस का वैल्यू ना जो है ये कब जीरो होगा, जब ये पाई बाई 2 हो जाएगा। यानी कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 का वैल्यू आपका पाई बाई 2 होना चाहिए। ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6। तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 6 ओमेगा। यानी कि t इज इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा पे आपका जो है वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप ये देख लेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इस केस में आपका सी बिल्कुल टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i आर सुपर इम्पोज इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टेड वे में। इसमें डायरेक्टली मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है तो इसमें डायरेक्टली ऐड कर देंगे, एक बार सेपरेट कर देंगे तो आपका 5i और 3i आ जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड पूछा होता तो इसका आपका जोड़ने और घटाने के बाद स्क्वायर करना पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की किस पर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इस केस में आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है सो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज द वीकेस्ट, इन चारों में से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है। तो हम जानते हैं वीकेस्ट फोर्स आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर 1 टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, अ मेटलिक वायर ऑफ लेंथ एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड यंग्स मॉडुलस वाई इज एक्सटेंडेड टू लेंथ एल बाय सस्पेंडिंग अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम वन एंड कीपिंग द अदर एंड फिक्स्ड बाय द हुक इन द सीलिंग। If the wire is further extended by pulling the body and then releasing the body, then it will execute SHM with angular frequency. SHM execute करेगा तो angular frequency बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 19 हो जाएगा, तो इस केस में आपकी टेंशन बराबर जो हो जाएगी वो mg की इक्वल हो जाएगी।
एंड यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं वो होता है आपका टी अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे टी के लिए तो इसका वैल्यू आपका वाई ए एल अपॉन जो है कैपिटल एल आ जाएगा। एंड हम जानते हैं टी इज इक्वल टू क्या है एम जी के इक्वल है, यानी कि एम जी इज इक्वल टू आपका वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल आ जाएगा। अब यहाँ से जो आपका चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस टी डैश माइनस एम जी के इक्वल, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई ए एल प्लस एक्स अपॉन कैपिटल एल माइनस वाई ए एल अपॉन एल। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई ए एक्स अपॉन एल का के इक्वल इसका वैल्यू आ जाएगा। और एफ का वैल्यू हम जानते हैं इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको आप कंपेयर कर देंगे दोनों से। तो इसको कंपेयर करने के बाद जो है आप ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आपका वाई ए अपॉन जो है एम एल का इक्वल आ जाएगा। एंड ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा का वैल्यू हम जानते हैं कि ये जो होगा ये टू पाई अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से टी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टी का वैल्यू आप फ्रिक्वेंसी का आराम से निकाल लेंगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट अंडर वाई ए अपॉन एम एल के ही इक्वल आएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इस केस में जो है ऑप्शन नंबर आपका थ्री जो है वाई ए अपॉन एम एल, वाई ए अपॉन एम एल ऑप्शन नंबर इस केस में थ्री टिक हो जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू टू वाई ए आ जाएगा, तो टू वाला टर्म सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप जो है ऑप्शन नंबर टू वाला टिक हो जाएगा ना कि थ्री टिक होगा, 19 का ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हो, क्वेश्चन नंबर 21 है। अ मैन इज स्टैंडिंग नियर द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस, इफ द मैन वॉक्स टुवर्ड्स द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म देन द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर वो जो है आउटसाइड की तरफ जाएगा एज की तरफ तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म आपकी डिक्रीज करेगी। 21 का आप इस केस में टू टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द फील्ड डायरेक्शन देन इट्स पाथ वुड बी, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो दोस्तों पाथ क्या हो जाएगा, पाथ उस केस में आपका हेलिक्स हो जाएगा। 22 का आप वन टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इज 2 ईयर्स देन द फ्रैक्शन ऑफ एटम डिकेड इन दिस सब्सटेंस आफ्टर 8 ईयर्स विल बी। तो हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम लोग फार्मूला के थ्रू जाएं, लेकिन क्योंकि हाफ लाइफ जो है टू और जो है पूछा गया समय इसका मल्टीपल में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको समझिएगा। तो हम जानते हैं कि दो साल में कि आपका जो वैल्यू होगा वो इनिशियल का 1/2 हो जाएगा, फिर फर्दर दो साल में फिर ये इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 1/4 हो जाएगा, फिर दो साल में ये 1/4 का हाफ हो जाएगा यानी कि 1/8 हो जाएगा, एंड फिर दो साल में 1/8 का हाफ हो जाएगा यानी कि 1/16। तो दो साल में इतना हुआ, फिर 4 ईयर्स में इतना हो गया, फिर 6 ईयर्स में 1/8 हो गया, एंड फिर 8 ईयर्स में आपका 1/16 हो गया। तो 1/16 क्या है, 1/16 आपका लेफ्ट है, 1/6 आपका बचा है, तो डीके कितना हुआ होगा, तो 1 - 1/16 आंसर क्या जाएगा इसका, 15/16 आपका डीके हो गया होगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो हाफ लाइफ है और जो पूछा गया टाइम है ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल है तो इससे ये आसानी से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 50 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 500 वोल्ट थ्रू अ स्विच, हाउ मच टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 0.063 कूलम। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब होगा क्या दोस्तों, इस केस में होता क्या है कि Q इज इक्वल टू हम जानते हैं इस केस में क्यू नॉट 1 - e^t अपॉन RC हो जाता है। होता क्या है इस केस में कि 63% जो है आपका चार्ज या डिस्चार्ज करने में T इज इक्वल टू RC का टाइम लगता है, T इज इक्वल टू RC टाइम लगता है 63% जो है इस केस में चार्ज होने में। तो 63% आप इसमें क्यों निकाल के देखेंगे तो ये आपका जो है 1 जो है आएगा 1 × 10⁻³ कोलम के अराउंड आएगा, एंड 63 यानी कि ये जो 0.063 है 63% हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि 63% है तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आर सी, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा आर यानी कि 200 × 10⁻⁶ × c और ये 15 × 10³। इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आपका जो है 10 सेकंड आ जाएगा।
तो 10 सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर इस केस में आप 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन 25 है, अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इमर्ज इन वाटर, व्हाट इज इट्स न्यू फोकल लेंथ। इसकी न्यू फोकल लेंथ बतानी है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 25। इस केस में दोस्तों होगा क्या, हम इसको सॉल्व करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज़ करके। लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो म्यू ऑफ ग्लास का वैल्यू जो होता है वो 1.5 होता है एंड म्यू ऑफ वाटर का वैल्यू आपको दे रखा है 4/3 यानी कि 1.33। इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा फॉर्मूला, 1/F इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन इंटू में हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब इस फॉर्मूला को हम लोग दोस्तों एक बार जो है ग्लास के रिस्पेक्ट में यूज़ करेंगे, एक बार वाटर के रिस्पेक्ट में यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम लोग रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेने के बाद उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका वैल्यू आ जाएगी, इस केस में 40 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/F का जो वैल्यू, सॉरी फोकल लेंथ का जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका 40 सेंटीमीटर के अराउंड आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इस केस में कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस केस में 4th टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय कांस्टेंट फोर्स एफ, इट इज फाउंड टू मूव 35 मीटर इन 4 सेकंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू इस एन सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसका फॉर्मूला दोस्तों होता है यू प्लस 1/2a 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 4 सेकंड की बात कर रहा है यानी कि इसका वैल्यू आपका 35 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 1/2 यहाँ पर ये हो जाएगा और इनटू में a, n का वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब a का वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 किलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्स आपका हो जाएगा 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 1 टेक कर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम मटेरियल इज 6.5 × 10⁴ हर्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फॉर्म। किस रेडिएशन से इमिट होगा, तो दोस्तों इस केस में आपका आंसर 5 वॉट हो जाएगा, 5 वॉट यूवी लैम्प, 5 वॉट अल्ट्रा वॉलेट लैम्प वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस केस में आप 3 टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वाज वर टू श्रिंक बाय 5% ऑफ इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी। आपकी अर्थ श्रिंक कर गई 5% और मास आपका सेम है, तो इस केस में आपका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा, तो वो दोस्तों इंक्रीज कर जाएगा 10% से, ऑप्शन नंबर इस केस में आप 3 टिक कर सकते हैं, 28 का 3 टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 आपके। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्यूनिक फोर्क वाइब्रेट्स विद अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोनोमीटर वर प्रोड्यूसेस 10 बीट्स पर सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज मेड 21 मीटर कीपिंग द टेंशन सेम, देर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क विल बी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क आपसे पूछ रहा है तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, F1-F0 का वैल्यू आपका 10 के इक्वल है और इसी का वैल्यू आपका V/0.2 × 0.2 हो जाएगा। 0.2 क्यों, क्योंकि 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड फिर ये हो जाएगा। फिर F0-F2 का वैल्यू आपका फिर से 10 हो जाएगा और इसका वैल्यू आप लिख सकते हो F0-V/2 × 0.21। हमने 21 सेंटीमीटर को यहाँ पर फिर से मीटर में चेंज कर लिया। इसको आप आसानी से सॉल्व करोगे V के लिए तो V का वैल्यू आपका 84 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी F0 का वैल्यू आपका 410 हर्ट्ज आ जाएगा। तो 410 हर्ट्ज वाला ऑप्शन बिल्कुल आप करेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर इस केस में डी जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, सैटेलाइट्स ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई RA एंड RB रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल टाइम पीरियड TA/TB विल बी। ऑर्बिटल का जो है टाइम पीरियड का रेशियो पूछा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए बात करते हैं। इस केस में दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 30 लगाएंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं V इज इक्वल टू आपका होता है √GM/R और यहाँ पर आप जो है V इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 2πR/TB होता है, तो यहाँ से T का वैल्यू आपका आ जाएगा 2πR/V। इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके रेशियो फाइंड करने की कोशिश करेंगे TB और TA के केस में, तो आसानी से निकाल पाएंगे TA/TB का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका हो जाएगा RA/RB^3/2। तो ये वाला ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर इस केस में
थ्री बाई टू वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री है, तो ऑप्शन नंबर आप इसमें थ्री टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 1/5 हेनरी इज एन अल्टरनेटिंग करंट, सर्किट्स आर कनेक्टेड टू 210 वोल्ट एसी मींस इन सीरीज, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। आइए दोस्तों उस पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को, तो इसमें हम लोग निकालते हैं एक्सएल इज इक्वल टू आपका 2πVL हो जाएगा। यहाँ से हम जो है जेड का वैल्यू निकाल लेंगे, जेड का वैल्यू आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, इस केस में आपकी 50 हर्ट्स हो जाएगी, एल का वैल्यू गिवन है एंड इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आई का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वी अपॉन जेड से, अब आई का वैल्यू आपको निकल जाएगा तो दो, उसके बाद हम पावर जानते हैं पी इज इक्वल टू आपका आई स्क्वायर जेड हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला आप जो है इस टाइप से फॉलो करेंगे जो है पैटर्न, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में आपका 1210 वॉट का जो है आंसर आएगा। ऑप्शन देख लेंगे तो 1210 जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है। द सम ऑफ बाइनरी नंबर्स 1001 एंड 0101 इज, तो इसका बाइनरी सम क्या होगा, तो इसका 1110 सम आता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। इमेजिन दैट अ लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार इन एंड ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विथ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड स्टार बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -5/2 देन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टी और आर में क्या रिलेशन होगा, तो इसको आइए इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 33। तो इसके इसमें एफ जी का हम जानते हैं, ये आपको रिलेशन दे रखा 1/r^5/2, और हम ये भी जानते हैं कि ये जो एम आर, इसका मतलब क्या होगा कि एम आर ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये r^-5/2 के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा r^-5/2 के, एंड ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं ये होता है 2πT, तो यहाँ से टी के रिलेशन निकालेंगे तो टी स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा r^-7/2 के, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा r^-7/2 के, ये वाला ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 2 टिक कर सकते हैं, यहाँ पर 7/2 है। क्वेश्चन नंबर 34 है। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज ई नॉट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय हाफ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना जाएगा 2 times ऑफ टोटल एनर्जी यानी कि 2 times ऑफ ई नॉट, तो ऑप्शन नंबर इसके इसमें डी टिक हो जाएगा, 2 times ऑफ ई नॉट टिक कर देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अ हॉर्न प्रोड्यूसिंग अ साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 540 हर्ट्ज इज मूविंग टू आर स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड 33 meters per second, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इतना द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इज, तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे वी टेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C - C/Vs × V0, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 330/330 - 30 × 510, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका 500 हर्ट्ज के अराउंड आ जाएगा, तो 500 हर्ट्ज वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा यानी कि 35 में आप 2 टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। 2 स्पेरिकल सोप बबल्स कम टूगेदर टू फॉर्म 1 बबल, इफ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड इन द बबल बी वी, चेंज इन टोटल सर्फेस एरिया इज एस एंड सर्फेस टेंशन ऑफ द बबल इज टी देन, तो इसमें रिलेशन आपसे पूछा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 36 हो जाएगा। इसके इसमें आप निकाल लेंगे पी ए इज इक्वल टू, तो यहाँ इंटरनल प्रेशर को पी मान लेते हैं, तो पी प्लस हो जाएगा आपका 4T/RA। सिमिलरली पी बी का वैल्यू आपका आ जाएगा P+4T/RB एंड सिमिलरली पी सी का वैल्यू आपका आ जाएगा P+4T/RC। आर ए का वैल्यू हम निकालेंगे वॉल्यूम, सॉरी वी ए का वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम का, तो वो हो जाएगा आपका 4/3π आर ए का क्यूब, एंड वी बी का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 4/3π RB³, एंड सिमिलरली वी सी का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/3π RC³। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पी ए वी ए प्लस पी बी वी बी इज इक्वल टू पी सी वी सी हो जाएगा, इसको आप फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 3PV+4TS = 0। ये वाला रिलेशन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ जाएगा, 3PV+4TS = 0। ऑप्शन देख लेते हैं तो 3PV+4TS = 0 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। इफ़ एन एयर बबल ऑफ रेडियस 10^-2 meters इज राइजिंग अपन ए स्टेडी रेट ऑफ 2 × 10^-3 meters per second
थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब देन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन एमकेएस यूनिट। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा है तो उसमें कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं दोस्तों उसमें होगा क्या। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि बॉयंट फोर्स का वैल्यू होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो होगा क्या कि यहाँ पर विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, विस्कस फोर्स हम जानते हैं, विस्कस फोर्स बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 पाई ईटा होता है, 6 पाई ईटा आर वी, और इसका वैल्यू आप बॉइंट फोर्स के इक्वल कर देंगे। तो होगा क्या, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि रो का वैल्यू हम आपको गिवन है 1.5 × 10³, वॉल्यूम आपको वी का वैल्यू आपको गिवन 2 × 10⁻³, रेडियस आपको गिवन है 10⁻²। तो यहाँ से वॉल्यूम आप निकाल लेंगे, ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम आपका गिवन कितना आ जाएगा, वी कैपिटल भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 πr³। आसानी से आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका ईटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 167 यूनिट आ जाएगा। तो 167 यूनिट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसके इसमें आप 3 टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट एच, व्हेन अ होल इज मेड इन द टैंक एट अ डिस्टेंस एच बिलो द लेवल ऑफ वाटर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर विल बी, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर की पूछ रहा है, बात यहाँ पर कर रहा है। तो होगा क्या, कैसे करेंगे इस पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है वेलोसिटी जिससे पानी निकलेगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। तो चेंज ऑफ हाइट एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2g एच माइनस एच, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो हम और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे वाई इज इक्वल टू 1/2 gt² करके, एच का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा स्मॉल एच, यहाँ से आप 1/2 gt² निकालेंगे, टी का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2h/g का वैल्यू ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से आपसे मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v × t, टी का वैल्यू ये पुट करेंगे, वी का वैल्यू ये पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेंज आपका आ जाएगा 2 × h × h-h, तो 2 × √h/h × H-h, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर आपके जो है 3 में है, तो ऑप्शन नंबर इसके इसमें आप 3 टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, अ यूनिफॉर्म चेंज ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल सच एज 1/3 ऑफ द मास इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन ऑन द टेबल विल बी। तो दोस्तों इस तरह के हैंगिंग चेन के क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। तो इस केस में आपका जो वर्कडन होता है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, वर्कडन का वैल्यू होता है हमेशा मास ऑफ हैंगिंग चेन into g into distance of center of mass of hanging chain। यही दोस्तों फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका mgl upon 18 का वैल्यू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी टिक हो जाएगा। नंबर 40 है, इन अ लिक्विड टेक्स 5 मिनट्स इन कूलिंग फ्रॉम 80°C to 50°, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 20°C देन द टाइम टेकन बाय द सेम लिक्विड टू कूल फ्रॉम 60° to 30° इन द सेम टेम्परेचर विल बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पर नीचे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये होगा 40, इसमें दोस्तों हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू होता है आपका -a d θ/dt, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे टी के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1/k log में आ जाएगा आपका t1 - t0 / t2 - t0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इस केस में आपका पहले फर्स्ट केस में रखेंगे तो 5 का वैल्यू आ जाएगा 5 = 1/k log, ये हो जाएगा 80 - 20 / ये हो जाएगा आपका 50 - 20। इसको सॉल्व करेंगे k के लिए तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.06। अब k का वैल्यू मिल गया तो आप t2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, t2 = हो जाएगा 1/0.06 log में हो जाएगा आपका, फिर से ये हो जाएगा 60 - 20 / 30 - 20। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो आपका 9 मिनट के अराउंड आएगा। तो 9 मिनट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे तो 9 मिनट वाला जो है पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसके इसमें आप फर्स्ट टेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, ए माइक्रो अमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना एंड अ फुल स्केल रेंज ऑफ इतना,
इट विल इज कन्वर्टेड इन टू अ 5 mg रेंज अमीटर बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ अमीटर आपको बनाना है, तो अमीटर क्या होता है, अमीटर आपका जो है सीरीज में लगता है और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है। तो अगर आपको इसमें को अमीटर को कन्वर्ट करना है दूसरे मीटर में, तो आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो यानी कि जो सीरीज वाले ऑप्शन है ये तो आपको कट गए। अब बात आ गई कि यहाँ पर जो है वोल्टेज की बात आती है, तो वोल्टेज इस केस में आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आपका IR हो जाएगा। आपका जो है I का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 50 × 10⁻⁶ एंड R का वैल्यू आपका 100 है। यहाँ से आप फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³। बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, आपका जो करंट का वैल्यू है ये आपको निकालना है, तो ये आपको कन्वर्ट करना है इतने की रेंज में। तो आप करेंगे क्या उसको, कि ये जो आपका जो रेजिस्टेंस दे रखा है इसके पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस जोड़ के देखना पड़ेगा एंड फिर आपको इस वोल्टेज से आपको मल्टीप्लाई करके आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिस केस में ये आई का वैल्यू उसके बराबर आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। इतना स्टेप कर लेंगे आप, तो आंसर आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ, इस केस में 1 ओम इन पैरेलल वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 का आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, टू इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट x इज इक्वल टू -a एंड +a ऑन द x एक्सिस, अनदर चार्ज ऑफ q इज फिक्स्ड इन द ओरिजिन, द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ q व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x मच लेस देन a अलॉन्ग x एक्सिस अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू। इसको आप मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है उसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 2 टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन जो है पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2, इफ़ दे आर नाउ ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द कैपेसिटेंस सी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू आपका CV होता है, तो यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा। फर्स्ट के सेकंड केस में निकाल के आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका Q1 - Q2/2C के अराउंड आ जाएगा। तो 43 का जो है आप 4 टिक कर सकते हैं, तो 43 का ऑप्शन नंबर 4 टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, द हीट डेवलप इन द वायर विल बी डबल इफ। तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो इसमें पूछा है कि कब हीट आपकी डेवलप होगी, तो हीट जो होगी वो I²RT के प्रोपोर्शन होता है, यानी कि R के प्रोपोर्शन होती है। तो यानी कि R की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हीट आपकी बढ़ जाएगी। तो R की वैल्यू किस केस में बढ़ेगी, अगर हम जो रेडियस और लेंथ दोनों को डबल कर दे, तो ऑप्शन नंबर इस केस में 42 का सेकंड ट्रिक हो जाएगा, बोथ आर डबल, यानी कि लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल। क्वेश्चन नंबर 45 है, टू पार्टिकल्स x एंड y हैविंग इक्वल चार्जेस आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एंटर द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ मास एक्स एंड दैट ऑफ मास वाई इज। तो रेशियो आपको पूछा है, तो इस केस में होगा क्या दोस्तों, हम जानते हैं कि QVB इज इक्वल टू होता है MV²R, एंड क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, यानी कि हाफ MVA² विल बी इक्वल टू हाफ MVB²। इसको आप दोनों को सॉल्व करेंगे, MA एंड MB का रेशियो निकाल लेंगे आराम से, तो इस केस में आपको जो है आंसर आ जाएगा R1/R2 का होल का स्क्वायर, ये होगा दोनों के मास का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 3 टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, थिन मेटेलिक नीडल इज ऑसिलेटिंग फ्रीली सस्पेंडिंग इन मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम पीरियड 4 सेकंड्स, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज अगेन सस्पेंडिंग द सेम फील्ड टू ऑसिलेट फ्रीली, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। यानी कि आपकी लेंथ की हाफ, लेंथ को हाफ कर दिया गया है, तो पूछा गया टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आसानी से। तो लेंथ हाफ होगी तो टाइम पीरियड भी हाफ हो जाता है। ऑप्शन इसका आंसर जो होगा वो आपका 2 सेकंड के अराउंड आ जाएगा, तो 2 सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 46 का आप 1 टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन N1 to N2 वेयर N1 and N2 आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू स्टेट्स, अज्यूम द बोर मॉडल टू बी वैलिड, द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 times दैट ऑफ फाइनल स्टेट, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ N1 and N2 आर सेलेक्टेड अंडरनेटिव गेम बिलो। तो बोर मॉडल को वैलिड मान के आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको करने के दोस्तों 2 तरीके हैं, एक है कि आप N1 N2 का वैल्यू ऑप्शन में से उठाए और पुट करके चेक कर लें, या फिर इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वैल्यू पुट करना जो है ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, तो इसमें वैल्यू पुट करके आप वेरीफाई करवाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी वेरीफाई हो जाएगा, N1 = 4 and N2 = 2। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के दौरान क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके 2 लाइट वेट न्यूक्लियाई जो होता है वो कंबाइन हो जाते हैं, और हाई प्रेशर के साथ एनर्जी, एक नया प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है।
तो इस टाइप की स्टेटमेंट कहाँ पर दी है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट आपके ऑप्शन नंबर थ्री में दिए है, तो ऑप्शन नंबर आप थ्री टिक कर सकते हैं। टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव अ हैवी न्यूक्लियस अंडर हैवी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड पॉसिबल अदर प्रोडक्ट्स। नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है पूछ रहा है। तो बीटा रेज आर सेम एज कैथोड रेज, ये वाला पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बीटा रे आर सेम एज कैथोड रेज, ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, द डोमिनेट मैकेनिज्म फॉर द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड्स आर। डोमिनेट मैकेनिज्म इसमें क्या है, तो डोमिनेट मैकेनिज्म क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है आपका फॉरवर्ड बायस में एंड डिफ्ट होता है रिवर्स बायस में, तो डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस एंड डिफ्ट एंड रिवर्स बायस वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसके इसमें आप टू टिक कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई तो आप हमें टेलीग्राम के चैनल पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।